राजस्थान में सीनियर टीचर पेपर भर्ती परीक्षा लीक मामले दो मास्टरमाइंड पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किए। राजस्थान पुलिस मुख्यालय ने यह इनाम घोषित किए। राजस्थान के डीजीपी उमेश मिश्रा ने बताया दोनों बदमाश पेपर लीक के मुख्य आरोपी है और जिसे भी इनकी जानकारी मिले वह पुलिस कंट्रोल रूम को फोन कर इसकी सूचना दी। सही सूचना देने वालों को 25,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। डीजीपी ने अब बताया कि ये बदमाश उदयपुर में पुलिस एक्शन के बाद से फरार चल रहे हैं और इन्हें गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 12 से ज़्यादा ठिकानों पर दबिश दी लेकिन बदमाश नहीं मिले। पुलिस का अनुमान है कि ये बदमाश राजस्थान या पास के राज्यों में छिपे हुए है। वही SOG आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विदेश में भी संपर्क में है। उदयपुर SP विकास शर्मा ने बताया कि अभियुक्त भूपेंद्र सारण और सुरेश डाका के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। दोनों फरार आरोपी राज्य में संभावित स्थानों पर तलाश की जा रही है लेकिन अभी तक उनका कोई पता नहीं चला। इसी को देखते हुए DGP उमेश मिश्रा के निर्देश पर ADG क्राइम अपराध द्वारा दोनों अभियुक्तों पर अलग अलग 25,000 रुपये के नाम घोषित किए। जो भी व्यक्ति इन दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सही सूचना देगा तो उसे पृथक 25,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। बता दें कि आरोपी सुरेश डाका साचौर से 20 किलोमीटर दूर स्थित अचलपुर गांव का रहने वाला है और यह जयपुर में एक बड़ी कोचिंग का संचालक भी है। वही दूसरा आरोपी भूपेंद्र सारण फर्जी डिग्री बांटने का मास्टरमाइंड है और वह पहले भी जेल जा चुके हैं। पुलिस जयपुर से भूपेंद्र सारण की गर्लफ्रेंड और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर चुकी है और अब फरार चल रहे दोनों आरोपियों पर पुलिस द्वारा 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया है।